वाह, क्या सांप की तरह का रास्ता है भाई। बेटा, यही सांप डसेगा तुझे आज। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। अमीबू कैसे हैं? वो भी ठीक है। वैसे ड्रेस तो काफी अच्छा है आपका। एक मिनट में आया। हाँ, क्या है? दूध लाया हूँ। दूध किसने भिजवाया है? मैं लाया हूँ। चल जा, चल जा ना। जा रहा हूँ, लेकिन पी लेना। ये जिम्मेदारी भी मुकम्मल हो गई, बस अब तो अपने रेस्ट के दिन है। बस कर दें कर्नल साहब, आपने किया ही क्या है? आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। बच्चों की परवरिश से लेके लड़की ढूंढने तक सब तो मैंने किया है। आप तो बस अपने दोस्तों के साथ गप्पे लगा लें। आप पे होता तो पता नहीं क्या लगते। हाँ भाई, हमारे हाथ में होता तो आप जैसी कोई लाते। इस टाइम कौन बेल मार रहा है? गुल्लू आया मैम साहब। जी साहब जी। अरे वाह गुल्लू, यार तुम कहाँ गए वो सुबह से? साहब जी, सारी शादी का काम मैं देख रहा हूं। कैटरिंग वाले से लेकर डीजे तक हर चीज मैंने अरेंज की, उल्टा मेहमानों को स्टेप्स भी करके दिखाए हैं। वाह भाई गुल्लू, क्या बात है तुम्हारी। अच्छा बस कर, बाहर जाके देख इस वक्त कौन मनहूस आया है। मैम साहब मैं जाऊं? तो और कौन जाएगा? खुद ही चलिए। दफा हो और बाहर जाके देख कौन आया है। अच्छा जा रहा हूं ना, गुस्सा क्यों कह रही हैं? चला जाऊंगा ना तो बहुत याद आऊंगा। जी आप कौन जी? किधर है वो? वो कौन? अंदर आ जाओ। अभी नहीं, 1 घंटे बाद तुम आ जाना। ये लोग सब सो जाते हैं, मेरा सामने कमरा है वहां। बकवास बंद करो, तुम्हारे साहब कहाँ हैं? मेरे हस्बैंड कर्नल साहब ने इस उम्र में एक और खड़का दी। कर्नल साहब की बात कर रही हैं आप? नहीं, फैजू, मिस्टर फैसल है। फैसल? आप एक मिनट यहां रुके, मैं आता हूं। रुखसाना बेगम, ये क्या माजरा है? एक पिज्जे के साथ दूसरा पिज्जा फ्री तो मैंने सुना है, लेकिन एक दुल्हन के साथ दूसरी दुल्हन फ्री, ये कब से होने लगा? हमारे वक्तों में तो ऐसा नहीं होता था। वैसे आपको ही शुरू से दूसरी का बहुत शौक था। अरे ये बातें छोड़ो, इसका क्या करें, ये जो सामने बैठी है इसका। ये तशरीफ लाइए। आए 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 आए, तशरीफ लाए। आज आज ये तशरीफ लेके आइए। बादशाह सलामत, शहजादे साहब आ गए। हाँ बेटा, ये क्या चल रहा है? कौन है ये? अबू वो क्या वो? रिलैक्स करें। अरे ऐसे कैसे रिलैक्स करें, एक दुल्हन ऊपर बैठी है, एक दुल्हन ये सामने बैठी है, और इससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? ये तो तुम्हें अपना हस्बैंड बता रही है। अबू असल में वो काफी अरसे से कुछ हो नहीं रहा था। हाँ साहब जी, वैसे हो तो कुछ भी नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा था? ओ भाई कौन है ये? अबू ये लड़की मुझे फेसबुक के ग्रुप से मिली थी, कुछ अरसा गपशप चली, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर हमने कहा शादी कर लेते हैं, और इस तरह हमारी ऑनलाइन शादी हो गई। साहब जी वैसे पेमेंट भी ऑनलाइन हुई होगी? नहीं बेटा, ये फ्राइडे की दराज पे ऑफर नहीं चल रही कि सस्ते में मिला तो ले लिया। हाँ और लो क्रेडिट, और लो क्रेडिट इन चीजों का, देख लो अपने सपूत की हरकतें। वैसे इन सब कामों में तो आप पे ही गया। अबे यार अब क्या करें इसका, कौन जाएगा, कौन बात करेगा इससे? साहब जी मैं उससे बात करता हूँ,
कहता हूँ डील कैंसिल, हमें माल पसंद नहीं आया। तुम तो चुप करो कर्नल साहब, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। इतना डर तो मुझे इंडिया के खिलाफ बॉर्डर पे भी नहीं लगा, इतना डर अभी लग रहा है। बेटा बात सुने। हाँ बोले। बेटा बात ये असल में कि फैसल की तो आज शादी हो गई है और उसकी दुल्हन उसका ऊपर इंतजार कर रही है। ओ भाई, कौन किसका इंतजार कर रहा है, किसकी बीवी तो मैं हूँ। बेटा ऑनलाइन कौन सी शादी होती है, ऐसा करो आप इस शादी को भूल जाओ और अपने अम्मी अबू घर वापस चली जाओ। ऐसे कैसे भूल जाओ, हमारी शादी हुई है, लगता है जो पहले नहीं किया ना वो अब करना पड़ेगा। है? क्या दिखाना पड़ेगा? अभी टॉमी को कॉल करती हूँ। साहब जी, आजकल टॉमी ने भी मोबाइल रखी है। हेलो टॉमी, कहाँ हो, जल्दी आओ। कौन है? ये दोनों हैं। अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया के रुझान को बढ़ते हुए देखते हुए हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक अपने बच्चों का, नौजवानों का, और दूसरा उन्हें ये भी बताना है जो सोशल मीडिया से रिलेटेड आजकल स्कैम्स और फ्रॉड हो रहे हैं, ताकि इस पहलू को भी उजागर किया जा सके। ये एज अ वालदैन और एक जिम्मेदार शहरी के हमारा फ़र्ज़ है, वरना फिर ऐसे ही होगा जैसे कर्नल साहब के साथ अभी हुआ। साहब जी एड्रेस लगा दूं?